गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रद्धा। चलिए देखते हैं आज मार्केट कैसे रहेगा। आज एसजीएक्स निफ्टी में डोमेस्टिक मार्केट के लिए पॉजिटिव ओपनिंग का इंडिकेशन मिल रहा है। अमेज़न के क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट के बाद मेजर यूएस इंडेक्सेस डाउ, नैसडैक और S&P 500 इंडेक्सेस में भारी गिरावट देखने मिली है, जबकि डेटा बता रहा है कि जून में काफी अच्छी बढ़त भी थी। एशियन स्टॉक्स और यूएस इक्विटी फ्यूचर्स आज अर्ली मॉर्निंग में बढ़त में देखने मिले। चलिए देखते हैं ऐसे केस में आपके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। निफ्टी को 15,700 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 15,900 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी को 34,350 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 34,850 रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखते हैं स्टॉक आइडियाज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। कैश इंट्राडे में आप ग्रेविटा बाय कर सकते हो एट 187.70 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 183 पर, टारगेट रख सकते हो 193 पर। डेरिवेटिव फ्यूचर कॉल इंट्राडे में आप आरती इंडस्ट्रीज फ्यूचर बाय कर सकते हो 945.50 के ऊपर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 937 पर, टारगेट रख सकते हो 955 पर। कॉल्स जो आपको रिकमेंड किए थे डेरिवेटिव फ्यूचर कॉल इंट्राडे में, टाटा स्टील फ्यूचर बताया था, इस पोजीशन को काइंडली अवॉइड कीजिए क्योंकि ये बाय कॉल पर हिट नहीं हुआ है। कैश इंट्राडे में आपको इंडियन होटल्स बताया था, उसने टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किया है एट 150.80 पर। आज के स्टॉक एंड न्यूज है टीवीएस मोटर्स, बंधन बैंक और IOC। बात करते हैं सबसे पहले टीवीएस मोटर कंपनी की। वेणु श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टीवीएस मोटर कंपनी के, उन्होंने AGM में कहा है कि कंपनी मिड टू प्रीमियम सेगमेंट के बीच प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी ताकि वो वॉल्यूम ग्रोथ अचीव कर पाए। बंधन बैंक की अगर बात करें तो बंधन बैंक ने नेट प्रॉफिट में 32.1% की गिरावट बताई है पिछले जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 8.2% की बढ़त रिपोर्ट की फॉर क्वार्टर एंडेड जून 2021। नेट NPS 3.3% में बढ़त देखने मिला है। IOC की अगर बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर के बीच नेट प्रॉफिट में 3-fold जंप रिपोर्ट किया टू 5,941 करोड़ का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ऊपर देखने मिला है एट 1,55,056 करोड़ पर। सेक्टरल फ्रंट पर अगर हम बात करें तो जून 2021 में 8 कोर सेक्टर्स के आउटपुट पे 8.9% की बढ़त देखने मिली है। अब ये कौन से सेक्टर्स हैं? तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। इतना मैसिव जंप जो आपको देखने मिला है उसका मेन रीजन है कि पिछले साल एक्सट्रीम लो इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाई दी, और इतना ही नहीं नेचुरल गैस, स्टील, कोल और इलेक्ट्रिसिटी भी एक वजह थी क्योंकि उनके प्रोडक्शंस में तेजी देखने मिली। तो चलिए देखते हैं IPO अपडेट्स के बारे में। बात करते हैं रोलेक्स रिंग्स IPO को लेकर। बिडिंग के तीसरे दिन रोलेक्स रिंग्स IPO सब्सक्राइब हुआ 130.43 टाइम्स और 56 लाख शेयर्स के ऑफर के अगेंस्ट बिड्स रिसीव हुए 74.14 करोड़ शेयर्स के। FII और DII डेटा की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट सोल्ड शेयर्स वर्थ 3,848.31 करोड़, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट परचेज शेयर्स वर्थ 2,956.68 करोड़। मॉर्निंग आउटलुक में आज फिलहाल इतना ही। स्टॉक रिलेटेड कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें। मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आऊंगी क्लोजिंग अपडेट, साथ ही मैं कुछ स्टॉक आइडियाज भी बताऊंगी। सो डोंट मिस टू जॉइन मी टुडे इवनिंग एट 5:30 PM और हमारे 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।